कैसे हैं आप लोग? सॉरी मिशन, मैं आपको बुक का नाम नहीं बता पाई, बट मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और अभी भी ख़राब है, तो मैं कुछ बुक का नाम आपको बता रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं जो लोग का जूलॉजी ऑप्शनल है तो उनके लिए कौन सी बुक बेस्ट होनी चाहिए, मैं उन्हीं बुक का नेम बता रही हूँ। तो बेस्ट बुक फॉर जूलॉजी ऑप्शनल के लिए, जो जिनका भी मेंस में जूलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए मतलब बुक्स है। तो जेनेटिक्स के लिए आप बीडी सिंह की बुक परचेज कर सकते हैं, अच्छी बुक्स है और उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी के लिए भी सेम बुक बीडी सिंह की ले सकते हैं, और या फिर अगर बीडी सिंह की ना मिले तो वीर वाला रस्तोगी का बुक आप परचेस कर सकते हैं। ये सब राइटर का नाम है तो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा बुक। और उसके बाद वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के लिए भी आप आर एल लोकपाल की बुक ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स है। मैं खुद इनका ये देखी हूँ तो इनमें जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप ये बुक सब ले सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए भी वीर वाला रस्तोगी, क्योंकि जो जिस भी राइटर का बुक अच्छा होता है ना हमें उसी का पढ़ना चाहिए। और इम्ब्रायोलॉजी के लिए सेम बुक है वीर वाला रस्तोगी, एंड सेल बायोलॉजी के लिए आप सीबी पावर या फिर वीर वाला रस्तोगी का बुक, ये बुक सब ले सकते हैं। तो ये है वीडियो का पार्ट वन, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट टू, जब मेरा ये वीडियो होगा तो मैं बताऊंगी अगले नेक्स्ट बुक के बारे में। तब तक आप ये बुक खरीदिए और अच्छे से पढ़िए, अपनी मेंस की तैयारी कीजिए। और जिन लोगों का जो लोग भी मतलब बीपीएससी में है, मतलब जो लोग मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो उनका ये बुक से मतलब ग्रेजुएशन अच्छा से हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचाए। और तब तक आप अपना ख्याल और अपने स्टडी का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। के बाद